हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ घूम रही हूँ छत पे, और हल्की हल्की देखो कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही। देखो ऐसा मौसम है हमारे इधर का। इधर देखो सूरज निकल रहा है, देखिए, और बारिश हो रही है। देखिए छत पूरा गीला है, मतलब पानी भी गिर रहा है, धूप भी निकल रही है। पता नहीं क्या ही मौसम हो रहा है, मतलब ऐसा मौसम हो गया है एकदम से। ऐसा लग रहा है जैसे कि मानसून नहीं आता उस टाइम में, जून के टाइम में या जुलाई में, इस तरीके की रिमझिम रिमझिम बरसात होती है सावन के महीने में, तो बिल्कुल वैसी ही बरसात है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है सब कुछ। और अब देखिए धूप निकल आई है, मतलब ऐसा हो रहा है कि लगभग 2-3 बजे के अराउंड में पानी गिरता है और इस टाइम में जो है धूप निकलने लगती है। अब 5 से 6 बजे का टाइम हो रहा है और 6 बजे जो है धूप निकलने लगती है। तो आज मेरा मार्केट जाने का था, क्योंकि आज सैटरडे था, मैं बहुत जल्दी आ गई। 1 बजे हाफ डे हो जाता है समथिंग, 1 बजे करीब, तो आज मैं बहुत जल्दी आ गई। तो मैंने सोचा कि आज मार्केट चलेंगे, लेकिन बारिश होने लगी, फिर मैंने सोचा कि बच्चों को लेके जाना सही नहीं है। अरे यार, हमारे छत में ना सच बताऊँ तो बैठने की जगह नहीं है, बैठने का प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है। मैं इनको बोल रही थी यहाँ पे थोड़ी सीट्स बनवा दो बैठने के लिए, या फिर कुछ ऐसा रख दो ऊपर की तरफ में। देखिए बच्चे खेल रहे हैं, और बेबी गई है उधर गार्डन में खेलने के लिए, गार्डन है वहाँ पे, और मैं बैठी हूँ। देखिए ये तार लगाए इस तरीके से कपड़े डालने के लिए। देखिए हमारे यहाँ ना इतना जजमेंट से काम करते हैं बहुत ही ज़्यादा। और देखिए बच्चे खेल रहे हैं, और बच्चे इतने इजीली और आराम से खेलते हैं, पता नहीं झगड़ा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। देखिए वहाँ पे खेल रहे हैं, वो देखिए गार्डन में दिख रहा है वहाँ पे, वो देखिए वहाँ पे खेल रहे हैं। तो बच्चे खेल रहे हैं अंदर और झगड़ा होने लगा। बच्चों का क्या है, झगड़ने लगते हैं। और अब ऐसा लग रहा है फिर से दोबारा से बारिश आएगी, और मौसम इतना अच्छा है। और हमारे टमाटर में बहुत सारे टमाटर लगे हैं। मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें डेली नहीं दिखाती हूँ गार्डन, क्योंकि टमाटर आपको बाद में दिखाऊंगी। देखिए गंदराज में छोटी सी कली निकली हुई है, अभी फूल लगेगा इसमें। देखिए बहुत ही प्यारी सी कली निकली हुई है, ये देखो, देख रहे ना, इतनी प्यारी खुशबू है ना इसकी, बहुत ही प्यारी, मतलब इतना सुंदर लगता है ना इसका फूल, बहुत ही बहुत सुंदर लगता है इसका फूल। और थोड़े से चुकंदर बचे हैं, देखिए चुकंदर सारे निकाल के खा लिए, अब तो कुछ भी नहीं बचा ज़्यादा खाने के लिए, कुछ नहीं है। चुकंदर थोड़े से बचे हैं, ये देखिए सारे निकाल निकाल के खा लिए। हम लोगों ने तो नहीं खाए हैं, लेकिन कहीं किसी को ऐसे बांट दिए हैं। स्ट्रॉबेरी में आज 2 स्ट्रॉबेरी लगी थी, तो मैंने खा ली, सच बताऊँ तो बच्चों को नहीं दी। और इसके बाद में ये वाले बैगन भी अभी तोड़े थे, इसमें बस एक बैगन आया है, ये देखिए छोटा सा, ये देखिए छोटा सा आया है, इसमें 2 लग रहे हैं छोटे छोटे। ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा आता है बैगन। और ये जो कॉर्चेट हम लोगों ने मंगवाई थी ना, ये वाली देखिए, ये जो कॉर्चेट हम लोगों ने मंगवाई थी ना वो है। अब इसमें पता नहीं कॉर्चेट कहाँ लगेगी, जब फ़ोटो हम लोगों ने देखा था ना तो यहाँ पे लग रही थी यहाँ पे, लेकिन अब ये कहाँ लगेगी पता नहीं, मतलब पूरे में देखिए फुल बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं ना। ये देखिए कॉर्चेट कुछ इस तरीके से है, और जब हम लोगों ने कॉर्चेट मंगवाई थी ना तो कॉर्चेट यहाँ पे लग रही थी, लेकिन इसमें तो देखिए ऐसे ऐसे जगह जगह फूल आ रहे हैं। देखिए ये फूल ही हैं, क्या है भगवान जाने, अब ये लगेगी तब पता चलेगा इस तरीके के आ रहे हैं। देखिए आप लोगों ने कभी कॉर्चेट लगाई है तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये जो है कॉर्चेट लगने के लिए ही है, फूल के किस चीज़ के लिए है कि वो यहीं पे लगेगी। फ़ोटो में तो यहीं पे जड़ के पास में दिखाता है, और ये देखिए काफ़ी लंबी इसकी बेल चल रही है। देखिए वहाँ से लेकर के, देखिए वहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक चल रही है। देखिए ये पूरी लंबी की लंबी चल रही है पूरी बेल, और ये एक और सेकंड पेड़ निकल रहा है, मतलब बेल निकल रही है यहाँ से। ये 2 ही बीज उगे हैं, एक ये और एक वो, 2 बीज बस उगे हैं, और बाकी जो है शायद गिलहरी खा गई कि क्या खा रहा है पता नहीं। ये देखिए कैबेज, देखिए कैबेज बन रही है, ये पत्ता गोभी किस किस ने देखिए लगते हुए, तो देखिए इस तरीके से इसके पत्ते मुड़ते जाते हैं, 2 हैं, एक वो लग रही है, और ये करेला निकला है, नीचे वाले करेले में तो अच्छे से वो आ रहे हैं। और ये देखिए बारिश जैसा हो गया है बिल्कुल, और मिर्ची में भी जो मतलब बीमारी लगी हुई थी ना, पत्ते सिकुड़ रहे थे, तो बारिश हो गई ना तो अच्छे से मतलब वो हो गई है, फैलने लगे हैं पत्ते इसके। और बैगन में भी 2-3 बैगन लगे हैं, देखिए आ ही रहा है इसमें, तो इसमें काफ़ी बैगन आता है इकट्ठा के इकट्ठा। और इसके बाद में ये लगा है बैगन ऐसे करके, ये वाले में तो अभी नहीं आया, अभी तोड़ा था इसमें से,
और इसके बाद अरबी के पत्ते लगे हैं। ये वाला कॉर्नर पूरा सूख गया है क्योंकि ये टमाटर जो थे ना पुराने हो गए हैं, तो ये वाला कॉर्नर पूरा सूख गया है। यहाँ पे पुदीना लगा हुआ है चटनी बनाने के लिए, ताज़ा ताज़ा पुदीना। अब बस धनिया ख़त्म हो गया है, धनिया जो है सूख गया है। ये देखिए गिलकी का लगाया था गर्मी वाली, वो भी लग गई है। और लौकी की बेल भी चल रही है यहाँ पे। मैंने आप लोगों को दिखाया था ना लौकी के फूल, पता नहीं क्या खा रहा है, पता नहीं क्या ही है जो खा रहा है लौकी के फूल और टमाटरों को भी खा रहा है। इसमें भी थोड़े थोड़े टमाटर लगे, करेले लगे हैं। ये देखिए ये करेले जो है ना मैंने कहीं कहीं डाले थे ना, ये गुस्सा होते हैं, बोलते हैं कि कहीं भी डाल देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, करेले काटती थी, छीलती थी। ये देखिए मिनी वाला लगा है, छोटा टमाटर, मिनी टमाटो। ये देखिए लग रहे छोटे छोटे, हाथ लगा दूँ क्या, डर लगता है, बहुत छोटे हैं। ये देखिए मिनी है, एकदम छोटे से, ये देखिए बहुत छोटे हैं। तो ये मिनी टमाटर का है ये वाला, मतलब ये वाले टमाटर, इसमें मिनी वाले लगेंगे। तो इसके बाद में ये है, ये लौकी का है कि काय का है, आप लोग बताइए कमेंट करके। लौकी का ही है। और ये देखिए इसमें टमाटर में कितने टमाटर आ रखा है, बहुत सारा टमाटर इसमें आ रखा है। और इसको कैसे खा रहा है देखिए मैं बताती हूँ, इतना बड़ा बड़ा लग रहा है। ये देखिए ऐसे खा लेता है, इसको काट रहा है कि कोई चीज़ खा रही है कि कोई कीड़ा है। अगर आप लोगों के इधर ऐसा कुछ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्या हो रहा है। ये देखिए ऐसे करके पूरा ख़राब हो रहा है, पूरा बर्बाद हो रहा है। इतने बड़े बड़े लग रहे हैं इसमें टमाटर, फिर भी इस तरीके से ये जो है पूरे ख़राब हो रहे हैं। ये देखिए ये रेड होने लगा है, और जैसे ही लाल होता है ना ख़राब हो जाता है। और ये मिर्ची का जो छोटा सा पौधा हम लोगों ने लगाया था ना, वो काफ़ी बढ़ गया है। और उधर की क्यारी जो है पूरी खाली पड़ी है इस तरफ की। इसके बाद ये वाले टमाटर जो हैं पुराने हो गए थे, पूरे सूख गए हैं, इनको निकालना है अभी। और ये देखिए अंजीर लग गया है जो हम लोगों ने लगाया था। और ये देखिए मिर्च, में मिर्च आई थी लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि मिर्च पूरी सूख गई है। देखिए इस तरीके से, ये देखो ऐसे उग गई है, मतलब इतनी गर्मी लग गई है कि बेचारी जल गई है पूरी तरीके से। देखिए पूरी जल गई है, और हल्की हल्की बारिश आप शायद दिख रही हो आपको, मैं दिखाती हूँ। देखिए हाथों के ऊपर आ रही है हल्की हल्की सी बारिश। और ये वाले तो पूरे सोने वाले प्लांट हो गए हैं। कुछ प्लांट जो नीचे रखे थे वो भी हम लोग ऊपर आ गए हैं, देख रहे हैं आप जीने पर, सूख गया था, हल्की हल्की बारिश फिर से आ रही है देखिए कुछ इस तरीके से। और मनी प्लांट भी बहुत अच्छा हो गया है। और देखिए हमारे इधर का नज़ारा, पूरा खुला वातावरण है पूरा, देखिए दिखाती हूँ दूर से, ये पूरा मेरे इधर का नज़ारा है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, आसमान बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये देखिए पूरा, और देखिए बेबी गुड़िया कहाँ बैठा दिया, पता है इसको क्यों बैठाया है? इसको इसलिए बैठाया है कि ये टमाटर के वो मतलब जो खा रहे हैं ना, तो ये बोले कि तेरी गुड़िया से खेलती नहीं हो ना, बेबी तो मुझे दे दो, तो उसको बैठा दिया, बेचारी को यहाँ बैठा दिया। देखिए कैसी लग रही है ये, देख कमेंट करके बताइएगा। ये है, ये इसमें ना लेमन ग्रास है, ये उसके जैसी नींबू की जैसी, चाय में इसको डालते हैं ना नींबू की जैसी, इसमें खुशबू आती है, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है नींबू की जैसी। तो बस हम लोग इसको, मेरे को तो नहीं अच्छी लगती, मैं नहीं डालती इसको, और ये पीते रहते हैं पता नहीं लेमन ग्रास की चाय कहीं उसकी। जिन जो लोग फिट नहीं होते ना वो लोग पीते हैं, और मैं तो ऑलरेडी फिट हूँ, आप लोग देखते हो पेट वेट कुछ नहीं निकला है। देखिए मेरा पेट वेट सारा अंदर है, देखो देखिए दिख रहा है, नहीं है ना, पेट वेट सारा अंदर है मेरा पूरा। तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती, हाथ दर्द होने लगते हैं लेकिन। तो चलिए चलते हैं नीचे, बनाएंगे कुछ, शायद वीडियो लंबा हो गया है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए साथ के साथ में, और ताकि मेरा नया वीडियो आप लोगों को इसी तरीके से मिलता रहे। और आज मैंने अपने गार्डन की सैर पूरी आप लोगों को करा दी है। ये देखिए मेरा टेरिस गार्डन, अभी जगह जगह गमले रखे ना इसलिए समझ में नहीं आता, नहीं तो आधा छत पूरा भर जाता है, क्योंकि कुछ गमले नीचे रखे हैं, कुछ इधर रखे हैं, कुछ उधर रखे हैं, बहुत सारे लॉन में रखे हैं, तो इस तरीके से रखे हुए हैं ना गमले सारे, तो कुछ समझ में नहीं आता। देखिए मोर बोल रही है, शांति सुनिएगा, सुनाई दे रहा है। अभी इधर वाली चुप हो गई है, आप लोगों को सुनाना नहीं चाहती है वो अपनी आवाज़। तो चलिए
रोकती हूँ अपने वीडियो को, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और धीरे धीरे करके मेरे पूरे बाल गीले हो गए हैं क्योंकि बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की सी गिर रही है। तो चलिए रोकती हूँ अपने वीडियो को, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।